सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मानव संपदा लीव मॉड्यूल को लेकर के एक परिवर्तन हुआ है, संशोधन किया गया है उस लीव मॉड्यूल में। और किसी भी प्रकार की लीव लेने से पहले इस मॉड्यूल की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लें। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मानव संपदा लीव मॉड्यूल को देखें। मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश को लेकर के एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जो संशोधन हुआ है इस वेबसाइट पर। यहाँ पढ़ें पूरा प्रोसेस और देखें। आपको EHRMS पोर्टल पर लीव मॉड्यूल में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नोक्त किए गए हैं, जो इन पॉइंट्स पर आप विशेष ध्यान देंगे। ये आपकी साइट है मानव संपदा पोर्टल की, EHRMS UPSDC.gov.in। ये आप क्रोम पर सर्च कर लेंगे और EHRMS लॉगिन पर जाएंगे और अपनी आईडी और पासवर्ड कैप्चर डालेंगे, तो आपका ये साइट की आपकी आईडी आपके नाम की ओपन हो जाएगी। आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस से काट लिए जाएंगे। जो भी अवकाश आपके बीच में पड़ रहे हैं, मान लीजिए ये संडे है या क्रिसमस डे था 25 तारीख को, आप यदि आप 24 से 25, 26, 27 का भी यदि आप लीव लेते, तो यहाँ पर आपको क्रिसमस डे और संडे का अवकाश आपको काट लिया जाता कैजुअल लीव में से। तो ऐसा मत करें। यदि आपको सैटरडे का अवकाश लेना है तो सैटरडे का ही लीजिए, और मंडे का लेना है तो फिर सेकंड टाइम में दूसरी बार आप जो है अप्लाई करिए, मंडे के लिए एप्लीकेशन डालिए और मॉड्यूल के द्वारा, तो आपका संडे का जो आपका आकस्मिक जो सार्वजनिक अवकाश का रहेगा, तो उसका आपका CL बैलेंस नहीं काटा जाएगा, नहीं तो आपको संडे का भी कैजुअल लीव के उसमें बैलेंस आपका कट जाएगा। यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है, तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे EL, मातृत्व अवकाश, CCL, मेडिकल लीव आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। यदि आप मैटरनिटी लीव लेते हैं या मेडिकल लीव या चाइल्ड केयर लीव, बाल गर्ल देखभाल अवकाश लेते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, जब भी विद्यालय में आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से डालें, अदरवाइज आपकी अवकाश कंटिन्यू चलती रहेगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। जब तक आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं आपकी हो जाती है, आप नहीं डाल देते हैं, तब तक आप अन्य अवकाश अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स पर दिया जाता है, तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, आप प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है और किस प्रकार से हमें उनको भरना चाहिए। सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। यदि आप लीव लेते हैं और किसी कारणवश उस लीव को आपको कैंसिल करनी है, तो आपको जैसे कल का अवकाश ले रहे हैं, तो आज ही के दिन आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरे दिन वो आपको कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, वो सिंपल हट जाएगा, तो एक दिन पूर्व तक ही आपको उपलब्ध रहेगा। आवेदित अवकाश के दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। एक दिन बाद फिर ये नहीं होता है, करंट डे में आप नहीं कैंसिल कर सकते हैं। आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यदि आप सेम डे में कराना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन अलग से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे BEO या आपके हेडमास्टर्स, इंचार्ज हेडमास्टर्स हैं, उन्हें आपको भेजना पड़ेगा कि आज मैं अपनी अवकाश कैंसिल करवा रहा हूँ।
मेडिकल लीव, सीसीएल और अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स था जो मानव संपदा लीव मॉड्यूल को लेकर के था, और यदि आपको ये पसंद आया हो आपके तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस मानव संपदा मॉड्यूल में जो परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथियों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।